हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक लाइक केमिस्ट्री दोनों है। वी आर स्टार्टिंग विद द रैंक बूस्टर सीरीज। सो रैंक बूस्टर में वी विल बी टेकिंग अप सम ट्रिकी क्वेश्चंस, और मैं हर एक क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के लिए आप इतना टाइम ले लो, ताकि आप जो क्वेश्चन ट्राई करो तो उस पर्टिकुलर टाइम में ही ट्राई करो। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन है कि सिंगल ऑप्शन है, ताकि आप उस हिसाब से क्वेश्चन को ट्राई कर सको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो है आपके स्क्रीन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए आप 3 मिनट यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज 3 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अब यहाँ पे दिए क्या है, CH2COOET होल ट्वाइस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इसके बाद हमें दिया है बेस, दैट इज ETO-Na+। तो ये जो बेस है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये बेस गया इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या बन जाएगा, वी वुड बी गेटिंग CH-, ठीक है, और फिर हो गया COOET होल ट्वाइस। अब ये आप बोलोगे कि ये कोई रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि ये मैकेनिज्म एग्जैक्टली बेस्ड है। सो हमेशा हमें रिएक्शन ये नहीं मिलेगा कि जो रिएक्शन होती है वही दिया जाएगा, कुछ अलग सा भी दे सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे दिया है BrCH2COOET। अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो ये Br निकल जाएगा, और जब Br निकलेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, CH और वी हैव COOET, दिस इज होल ट्वाइस, फाइन। और इसके साथ आपके पास क्या आ गया, CH2 एंड वी हैव COOET, फाइन। ये हमें कंपाउंड ए मिल गया। तो अगर आप कंपाउंड ए देखना चाहो तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज़, ये चीज़ तो दिखी गई है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हो गया है। तो ये देखो जो कंपाउंड है अभी हमने बनाया, ऑप्शन सी सही हो गया। अब देखो इसके बाद हमने डाला है इसमें H2H3O+ और वॉर्म किया है। जब H3O+ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो ईस्टर होगा इट विल बी फॉर्मिंग एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पे जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, 3 बनेंगे। यहाँ देखो 2 कार्बन है और उसके ऊपर COOH, 2 COOH और इधर 3, तो 3 COOH होंगे और 3 कार्बन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और 3 COOH है, तो 1 COOH, 2 COOH, तीसरा COOH, 2 कार्बन के ऊपर, इसीलिए ऑप्शन बी भी सही है। अब इसके बाद हमें क्या बोला है कि हम बी को हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH है। सो ये क्या हो गया, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको हीटिंग इफेक्ट पता होना चाहिए, वहाँ पे CO2 रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से देखिए CO2 रिमूव हुआ, बट ध्यान दीजिएगा जब CO2 रिमूव हुआ तो हमारे पास क्या बना, कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया, ठीक है। और ये क्या है, ये देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपके 2 कार्बन है ना, यहाँ पे यू हैव 2 कार्बन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। सो दिस इज सक्सेनिक एसिड, सो दिस इज सक्सेनिक एसिड, और सक्सेनिक एसिड को अगर हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। तो देखिए पहले यहाँ से CO2 गया क्योंकि ये जेम डाई कार्बोक्सिलिक था, उसके बाद ये सक्सेनिक बना, सक्सेनिक से क्या जाता है, सक्सेनिक एसिड से वाटर जाता है, इट विल फॉर्म सक्सेनिक एनहाइड्राइड, इसीलिए ऑप्शन डी भी सही है। सो ऑप्शन बी सही हुआ, ऑप्शन सी सही हुआ, ऑप्शन डी सही हुआ। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे बच्चे इस CO2 को निकालने के बाद सक्सेनिक एनहाइड्राइड नहीं बना पाते हैं, इसीलिए उनका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन एंड इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर इज ऑब्जर्व। इस क्वेश्चन के लिए वैसे तो मुझे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, एंड यू कैन टेक 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज अगेन एंड मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन, सो यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन नाउ। आई होप यू हैव डन दिस क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये MOT के ऊपर बेस्ड है, और आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने MOT के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताया है कि 10 सेकेंड्स के अंदर आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं MOT का। तो अगर आप उस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो इसमें आप 1 मिनट से भी कम के अंदर ये पूरे पूरे आंसर निकाल पाएंगे, फाइन। सो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्यों होगा, तो इसमें आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, O2+ में कितने हैं, 15, O2 में कितने हैं, 16, O2- में कितने हैं, 17, N2 में कितने हैं, 14, 13, और इसमें कितना होगा, 14, इसमें कितना होगा, 14, और इसमें कितना होगा, 12,
बस काम खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे सबका लिख सकते हैं, 16 मतलब 2 होता है, 15 मतलब 2.5, 16 मतलब 2, 17 मतलब 1.5, 13 मतलब 2.5 इसका मतलब 3, 14 मतलब 3, 12 मतलब 2, खत्म क्वेश्चन। ये कैसे लिखा आप वो वीडियो देख लो, MOT इन लेस देन 10 सेकेंड्स। तो देखो मैंने 10 सेकेंड्स के अंदर कर दिया। यहाँ बोला है इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा, इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सो काफी इजी क्वेश्चन था, अगर आपको ट्रिक पता है तुरंत आप कर सकते हो क्वेश्चन। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू वॉच दैट लाइक द MOT इन 10 सेकेंड्स ऑन माई यूट्यूब चैनल इज देयर। उसमें मैंने ये भी बताया कि पैरा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक आप कैसे करोगे विदाउट लाइक ड्रॉइंग द कम्प्लीट MOT डायग्राम एंड डूइंग दैट। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। यहाँ पे आपको कंपाउंड दिया है और दिस इज अगेन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके लिए आप ले सकते हो 2 to 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे इसके लिए, सो यू कैन टेक 2 to 3 मिनट्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा रिएजेंट्स के ऊपर, रिएजेंट को थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्टली अगर आप सोचेंगे कुछ रिएजेंट पता होंगे फिर आ जाएंगे तो वो नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा रिएजेंट को सोचिए और चीज़ें सोचिए कि कैसे क्या हुआ। यू कैन टेक 2 to 3 मिनट्स। सो आई होप यू हैव डन दिस। सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नाउ। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास बेंजीन दिया है और उसमें हमें ट्रीट कर रहे हैं CH3COO NO2। ये क्या है, ये कुछ अजीब सा कंपाउंड लग रहा है और यहाँ पे हमने हीटिंग भी दी है इसको। तो जब ये हीट होगा ना ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। सो इट विल बी गिविंग यू CH3COO- एंड NO2+। और ये जो NO2+ है इट विल बी एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे जाएगा। देखिए हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट हमें पता होना चाहिए, ये हमने बहुत बार पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे होता है हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे NO2 विल बी एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे जाएगा और NO2 इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो क्या बनेगा ये सबको पता है, इट विल फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। सो दिस इज नाइट्रोबेंजीन, खत्म। अब इसके बाद हमने डाला ZnHCl। तो ZnHCl क्या करता है, रिडक्शन करता है, तो रिडक्शन करने में क्या मिलेगा हमें, वी विल बी गेटिंग दिस फाइन NH2। अब इसके बाद हमने क्या डाला, NaNO2+HCl, तो यह क्या बन जाएगा, डाइजोनियम बन जाएगा। सो इट इज N2+Cl-। देखो कितना इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, तो अगर आप आंसर देखना चाहो तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, दैट इज कंपाउंड सी विद बीटा नेप्थॉल प्रोड्यूसेस ऑरेंज रेड डाई। बिल्कुल सही बात है, जो बीटा नेप्थॉल है NCERT में लाइन मेंशन है कि बीटा नेप्थॉल के साथ ऑरेंज रेड डाई प्रोड्यूस होता है, तो आपको कलर्स याद होने चाहिए क्योंकि NCERT में दिए हैं और वो जे में आ सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। इसके बाद बोला कंपाउंड सी रिएक्ट विद बी। कंपाउंड सी क्या है, ये कंपाउंड सी रिएक्ट विद बी, ओके बी के साथ रिएक्ट कर सकता है इन एन एल्कलाइन मीडियम टू फॉर्म एनिलीन येलो। ये बात तो सही है, एनिलीन येलो बनाएगा, लेकिन एल्कलाइन मीडियम ये गलत बात है, ये एल्कलाइन मीडियम में नहीं करता है, इट रिएक्ट्स इन एसिडिक मीडियम, इसीलिए स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एसिडिक दिया होता तो स्टेटमेंट सही होता, और ये भी चीज़ अच्छे से NCERT में मैंशन की गई है। नेक्स्ट ऑप्शन सी दिया है, कंपाउंड सी विद NaBH4 प्रोड्यूसेस फ्लोरोबेंजीन। इसके साथ अगर हम NaBH4 डाल दें तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाए। बिल्कुल सही बात है, ये रिएक्शन कौन सा है आपको पता होना चाहिए था। रिएक्शन ये बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इज बाल्ज़ीमान रिएक्शन, बहुत लोग इसको गलत बोलते हैं, दैट इज बहुत लोग नाम से बोलते हैं बाल्ज़ीमान रिएक्शन, सो इट्स बाल्ज़ीमान और बाल्ज़ीमान रिएक्शन, वट एवर यू प्रोनाउंस। तो इसमें क्या होता है, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि आप और कोई भी रिएक्शन सिर्फ बेंजीन के ऊपर सिंपली फ्लोरीन नहीं लगा सकते। ठीक है, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगाना है तो आपको डाइजोनियम में NaBF4 और हीटिंग करनी होगी, तभी फ्लोरोबेंजीन आएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये सिर्फ लाइक अभी तक जो आपको पढ़नी है उसमें सिर्फ यही एक रिएक्शन है जिसमें आप फ्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऐसे याद रख लो। ऑप्शन डी क्या दिया है, कंपाउंड सी कैन अंडरगो कपलिंग रिएक्शन विद एनिसोल। यार एनिसोल क्या होता है, एनिसोल तो ये होता है OCH3। अब OCH3 नहीं, OCH3 तो डाइजोनियम के साथ कभी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि हमें रिएक्शन के लिए बहुत हाईली एक्टिवेटेड रिंग चाहिए, OCH3 से रिंग उतनी अच्छी एक्टिवेटेड नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन डी गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अच्छा था, कंसेप्चुअली अच्छा था और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी हमें ध्यान रखने थे, तो अगर आप ये भी फाइंड कर लेते ये तो फिर यहाँ पे आप कहीं कहीं अटक जाते जाके। तो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे याद रखना, याद नहीं रख सकते, हमें समझना है यहाँ पे इसका हीटिंग, हमें समझना, अगर समझ आता तभी हम यहाँ पे NO2 बना पाते, अदरवाइज अगर हम रिएजेंट देखने जाए तो आप कभी भी रिएजेंट NCERT बुक में तो एटलीस्ट देखे नहीं होंगे कि ये रिएजेंट कहाँ से आ गया, इसीलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव कमिंग फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री, और सबसे लाइक मोस्ट ऑफ यू
सेज दैट दी इन आयनिक का चैप्टर टफ होता है. तो यहाँ पे वो रहा क्वेश्चंस और आप क्वेश्चंस को देख सकते हो. क्वेश्चन के लिए आपको देंगे हम 3 मिनट. 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और फिर आंसर चेक कीजिए. मल्टीपल ऑप्शन सही है इसमें, सो आपने आंसर सही किया होगा आई होप. लेट अस चेक द आंसर. आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी. ठीक है, अब ऑप्शन सी और डी में ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी गलत है. सो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर. सो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए जी सी एल इन वाटर इज दिस. अच्छा ये बताइए कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कभी चेंज होता है? बिल्कुल नहीं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब बोला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सॉलिबिलिटी ऑफ ए जी इन प्रेजेंस ऑफ 10^-5 मोलर ऑफ ए जी एन ओ थ्री. तो 10^-5 मोलर ऑफ ए जी एन ओ थ्री से क्या होगा? ए जी आ जाएगा, ए जी आएगा 10^-5, मतलब ए जी का कंसेंट्रेशन बढ़ गया. लेकिन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तो सेम ही होने वाला है. मतलब अगर हम बात करें तो पहले सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट था एस स्क्वायर, लेकिन अब क्या हो जाएगा? एस प्लस 10^-5 जो ए जी का बढ़ा, और अब क्लोरीन का तो ऐसे ही रहेगा. एंड दिस इज इक्वल टू 12 × 10^-10. ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी इसमें, तो यहाँ पे मिल गया एस स्क्वायर प्लस 10^-5 एस माइनस 12 × 10^-10 इज इक्वल टू 0. अब बहुत बच्चे होते हैं बोले नहीं नहीं अरे ये तो बहुत छोटा है, इसके कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट कर दो. ऐसा कुछ मत कीजिएगा, निगलेक्ट करने के बिना, मतलब निगलेक्ट कर दिए तो गलत आंसर आ जाएगा, तो फिर ऑप्शन ए आप मार्क नहीं करोगे. निगलेक्ट किए बिना आपको क्वेश्चन ट्राई करना है. ठीक है, तो निगलेक्ट किए जब भी क्वाड्रेटिक आए एक बार ट्राई कर लो कि आंसर सही हो रहा है. ठीक है, हमेशा क्वाड्रेटिक को रियल फॉर्म में करना, ये नहीं कि इसको निगलेक्ट कर दिया बहुत छोटा है. नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी तो ये भी तो छोटा है, तो इस चीज़ से आप निगलेक्ट नहीं करोगे. तो आपका एस का देखोगे ना एग्जैक्टली ये वैल्यू आ जाएगा. सीधा चार यूज करो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा. सो दिस मोल्स पर लीटर, फाइन, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो गया. अब ऑप्शन बी क्या है? खत्म, यहाँ पे फिजिकल का पार्ट खत्म. अब यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक का दिमाग यूज करना है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी बोला है सॉलिबिलिटी ऑफ ए जी सी एल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ के सी एल विल इंक्रीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ए जी सी एल टू. अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा कि कंसेंट्रेशन लुक जो वो होगा आपका सोल्यूशन होगा उसमें से ए जी का कंसेंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा. जब ए जी का कंसेंट्रेशन, ए जी सी एल का कंसेंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब कि सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी. बिल्कुल सही बात है. देखो कंसेंट्रेशन कम हुआ तो रिएक्शन फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम तो मेंटेन नहीं करना है, इसीलिए और सॉलिबल ए जी सी एल होने लगेगा. इसीलिए ऑप्शन बी सही है. ऑप्शन सी सॉलिबिलिटी ऑफ ए जी सी एल इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस. बिल्कुल सही बात है, बहुत बार पढ़े हैं कि ए जी बहुत अच्छे से अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है. ठीक है, ये आप इनऑर्गेनिक में अच्छे तरह से पढ़े, इन कोऑर्डिनेशन में भी पढ़े होंगे और सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़े हैं कि ए जी फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया. तो इससे भी सही है. ऑप्शन डी देखिए सॉलिबिलिटी ऑफ ए जी सी एल रिमेन्स अनएफेक्टेड ऑन एडिंग एनी अमाउंट ऑफ एन ए बी आर. अगर हम बोले एनी अमाउंट ऑफ एन ए बी आर तो ये गलत बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ठीक रहेगा, लेकिन बहुत अगर एन ए बी आर हो गया तो ए जी सी एल का प्रेसिपिटेट आना स्टार्ट हो जाएगा. जब ए जी सी एल का प्रेसिपिटेट आना स्टार्ट हो जाएगा तो रिएक्शन का गड़बड़ी हो जाएगा, तब सॉलिबिलिटी चेंज हो जाएगा. इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है. अगर यहाँ पे एनी नहीं लिखा होता तो तब पर भी ये स्टेटमेंट गलत ही रहता, क्योंकि लाइक एन ए बी आर की चेंज हो सकता है, बट इट गेट्स अफेक्टेड आफ्टर एडिंग अ लॉट ऑफ सोल्यूशन. लाइक बहुत सारा अगर हम एन ए बी आर ऐड कर दें तो सॉलिबिलिटी चेंज हो जाएगी. इसीलिए ऑप्शन ए बी सी सही है. सो दीज वर दी 4 questions विच आई टुक इन दिस वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड डू मेंशन इन द कॉमेंट्स आपके कितने क्वेश्चन सही हुए. ऑल्सो टेल मी दैट कोई पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर चैप्टर यू वॉन्ट मी टू टेक ऑन द नेक्स्ट वीडियो. आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज टिल द जेई एडवांस ऑफ 2020, सो दैट यू आर एबल टू लाइक ग्रास मोर एंड मोर प्रोडक्टिव क्वेश्चन विच विल बी हेल्पिंग यू टू चैलेंज योर जेई प्रिपरेशन एंड ऑल्सो हेल्पिंग यू टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू थिंक परफेक्टली सो दैट यू कॉन्कर द जेई एडवांस एग्जामिनेशन और जेई मेन्स इवन. सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. Do give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.